गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, इन माई प्रीवियस लेक्चर आई हैव डिराइव्ड सम डेफिनेशंस ऑफ पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. दीज आर द टॉपिक्स वी हैव डिस्कस्ड. डियर स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस सम एग्जाम्स एंड सम थ्योरम. Then we will solve exercise 6.1. Dear students, see here. Assume 6.1. If a ray stand on a line, then the sum of two adjacent angles so formed is 180 degree. इसमें कहता है कि कोई रे है. Suppose that ये आपके पास एक लाइन है और एक आपने यहीं पर एक रे ड्रा किया है. ए बी आपकी लाइन है और पॉइंट सी से आपने एक रे ड्रा किया. ये जो रे ड्रा आपने किया है ये इस पर स्टैंड है, लाइन पर स्टैंड है. तो जो एडजेसेंट एंगल्स का सम है वो क्या है, 180 डिग्री होगा. कैसे होगा, देखिए ये इस एंगल के एडजेसेंट में होगा. सपोज दैट दिस इज एंगल फर्स्ट एंड दिस इज एंगल सेकेंड. Then the sum of angle 1 and angle 2 is equal to 180 degree. Why? Because ACB is a straight line. और straight line है तो ये angle दोनों मिल के क्या बनाएंगे, straight angle बनाएंगे. और straight angle की value क्या होती है, 180 degree होती है ना. तो ये value यहाँ पर define हो जाती है. Dear students, let us try to prove vertically opposite angles are equal. When we draw two lines and two lines are intersect each other at a point, suppose that this is point O and two lines are AB and CD are intersect each other at a point O. Now we want to prove angle 1 is equal to angle 2 and angle 3 is equal to angle 4, because these are the angles are vertically opposite. We want to prove vertically opposite angles are equal when two lines are intersect each other at a point. What we want to prove, angle COB is equal to angle AOD, AOD and angle AOC is equal to angle BOD. How can we prove? Dear students, let us consider the proof of this statement. We know if we draw a line and a point is stand on that line, we draw a ray on that point, we get two adjacent angles and the sum of two adjacent angles are 180 degree. Just this concept we will apply in this proof. See here, AOB. AOB is a straight line and OC is a ray stand on AOB. So sum of adjacent angles 180 degree. So angle AOC plus angle COB is equal to 180 degree. ये स्ट्रेट एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 180 डिग्री को रिप्रेजेंट किया. सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री. These two angles are adjacent angles.
they give a result of linear pair of angles. This is our equation first. इसे आप linear pair axioms से भी define कर सकते हैं. Now, see here COD. COD is a straight line. COD भी straight line है. OB क्या है? Ray है. किस पर? इसी पर है. And OB is a ray stand on it or COB. COD. Now, so angle COB, COB plus angle BOD, BOD is equal to 180 degree. This is our equation second. With the help of linear pairs of angles or sum of linear pair of angles is 180 degree. This is our linear pair axioms. ये linear pair का axiom आपका है ना, जिससे आप प्रूव किए हो. एग्ज्यूम प्रूफ होते नहीं हो, वो तो सेल्फ प्रूवन स्टेटमेंट ही है. अब ये इक्वेशन देखिए, फर्स्ट और सेकेंड इनमें राइट हैंड साइड दोनों का सेम है, लेफ्ट हैंड साइड भी दोनों का सेम होगा. नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट ए ओ सी प्लस सी ओ बी इज इक्वल टू सी ओ बी प्लस बी ओ डी. देखिए सी ओ बी, सी ओ बी दोनों साइड में है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, और दोनों जब कैंसिल हो जाएंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी? एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी. ये देखिए वर्टिकली अपोजिट हैं, और ये वर्टिकली अपोजिट हैं, दोनों ये सेम हो गए कि नहीं हो गए? इट मीन्स वर्टिकली अपोजिट और एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर. सिमिलरली सिमिलरली एंगल सी ओ बी, सी ओ बी is equal to angle AOD, AOD. अब सिमिलरली आप ऐसे ही प्रूव करेंगे, यही मेथड अप्लाई करेंगे, तो यहाँ हम सिमिलरली लिख कर इसको यहीं पर डन कर देते हैं. हेंस प्रूव हो गया. अब ये स्टेटमेंट आप जो है यूज़ करोगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में. अब वहाँ पर हम प्रूफ नहीं करेंगे कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल एंगल हैं तो इनको ऐसे ऐसे प्रूव किया जाए. वहाँ हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे क्या, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स सो दे आर इक्वल टू ईच अदर, हेंस प्रूफ. नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट अस ट्राई टू सॉल्व एक्सरसाइज 6.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. सी हियर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिगर 6.13, लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 degree एंड एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 degree. फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई. क्वेश्चन में आपको फिगर दिया है और फिगर में कुछ वैल्यू भी डिफाइन किया है. वैल्यू को डिफाइन करने के साथ साथ आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है, उसी का आपको आंसर यहाँ पर देना है. फिगर देखिए,
ए बी सी डी सी डी एंड ओ ई ए बी लाइन सी डी लाइन दोनों एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं ओ पर और यहाँ पर एक रे आपने ड्रा किया है ओ ई और क्वेश्चन में गिवन क्या है इन आवर क्वेश्चन गिवन एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 30 डिग्री इट मीन्स ए ओ सी ए ओ सी प्लस बी ओ ई बी ओ ई 70 डिग्री इस एंगल का और इस एंगल का सम आपको 70 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है बी ओ डी बी ओ डी ये एंगल आपको कितना पता है 30 डिग्री है दीज आर द पॉइंट गिवन इन आवर क्वेश्चन नाउ हाउ कैन वी फाइंड द अदर वैल्यूज फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल ऑफ सी ओ ई डियर स्टूडेंट सी हियर इफ बी सम एंगल ए ओ सी सी ओ ई ई ओ बी वी गेट 180 डिग्री ये स्ट्रेट एंगल को डिफाइन करेगा ना ये आपके स्ट्रेट एंगल को डिफाइन करेगा और डिफाइन करेगा तो वैल्यू आपकी डिफाइन हो जाएगी नाउ राइट दिस वैल्यू हियर बाय फिगर एंगल ए ओ सी ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी ई ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री वाई बिकॉज इट इज अ स्ट्रेट एंगल नाउ सी हियर ए ओ सी प्लस बी ओ ई एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री इसे और इसे एक साथ कंबाइंड करेंगे तो क्या होगा एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ई ओ बी प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री इसकी वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है यहाँ से उठा के इसको रखोगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई फ्रॉम दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट वी गेट 70 डिग्री प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री नाउ एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री वी गेट एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 110 डिग्री बट इन आवर क्वेश्चन सी हियर फाइंड रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई सो रिफ्लेक्स एंगल ऑफ सी ओ ई इज इक्वल टू 360 माइनस 110 डिग्री वी गेट 052 250 डिग्री वी गेट द रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 250 डिग्री ये देखिए आपका रिफ्लेक्स एंगल है ना जब कभी भी आपसे रिफ्लेक्स एंगल के बारे में पूछा जाएगा तो आप 360 में से उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो वैल्यू आपको मिलती है दैट इज़ योर आंसर इट इज़ क्लियर नाउ वी वांट टू फाइंड एंगल बी ओ ई
अभी हमें एंगल बी ओ ई भी तो फाइंड आउट करना है, इसे कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? इसमें कोई डाउट? देखिए यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, केवल एंगल का सम 180 होगा, स्ट्रेट एंगल हो गया, वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है उसे यहाँ पर पुट कर सकते हैं, और पुट करने के बाद ट्रांसपोज करिए, वैल्यू आपको मिलती है सी ओ ई की। अब एंगल आपको सी ओ ई मिला, उसका रिफ्लेक्स एंगल पूछा है, तो आप 360 में से सब्ट्रैक्ट करोगे, आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाती है रिफ्लेक्स एंगल की। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट अस सी द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, सी बाय फिगर सी ओ डी, सी ओ डी इज अ स्ट्रेट लाइन, एंड ओ बी, ओ बी ओ ई आर स्टैंड ऑन इट, ओ बी एंड ओ ई आर स्टैंड ऑन इट। नाउ द सम ऑफ एंगल सी ओ ई, सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी, ई ओ बी प्लस एंगल बी ओ डी, बी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल, सिंस इट इज अ स्ट्रेट एंगल। नाउ वी नो अबाउट एंगल सी ओ ई, दिस इज 110 डिग्री, दिस इज 110 डिग्री। नाउ सी ओ ई इज इक्वल टू 110 डिग्री प्लस एंगल ई ओ बी प्लस एंगल बी ओ डी कितना दिया है 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एड दीज टू वैल्यूज वी गेट 140 डिग्री, एंगल ई ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ ट्रांसपोज दिस वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड, वी गेट एंगल्स ई ओ बी इज इक्वल टू 180 माइनस 140 डिग्री, वी गेट दिस वैल्यू इज इक्वल टू 40 डिग्री। दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगल बी ओ ई। सॉरी, ये क्वेश्चन में यहाँ पर 40 डिग्री दिया है, कितना दिया है 40 डिग्री दिया है, तो यहाँ पर 40 करोगे तो कितना होगा 40 को इसमें 110 में ऐड करो कितना होगा 50, 180 में से आप 150 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ कितना होगा 30 डिग्री होगा, कितना होगा 30 डिग्री होगा। इट इज़ क्लियर? नाउ लेट अस कंसीडर क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब एग्जाम में क्वेश्चन आपको 30 ही करके यहां पर दे सकते हैं, क्वेश्चन एग्जाम के अकॉर्डिंग अभी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, 40 आपके बुक में दिया है, एक्सरसाइज में दिया है, बट एग्जाम में वैल्यू आप चेंज कर सकते हो,
और वैल्यू अगर चेंज कर दोगे तो उसके आंसर में भी चेंजेस आ जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, सी क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन फिगर 6.14 लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए इज टू बी इज इक्वल टू 2:3 फाइंड सी। क्वेश्चन में आपके गिवन है लाइन एक्स वाई एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, एक्स वाई दिस इज लाइन एक्स वाई एंड दिस इज लाइन एम एन, एम एन इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ओ, इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ओ। इफ एंगल पी ओ वाई, एंगल पी ओ वाई सपोज दैट दिस इज अ रे स्टैंड ऑन पॉइंट ओ एंड एंगल पी ओ वाई इज अ राइट एंगल, इज अ राइट एंगल, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड इट मीन्स इट इज गिवेन इन आवर क्वेश्चन एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए इज टू बी, ए इज टू बी मीन्स एंगल एम ओ पी ए एंड एंगल एक्स ओ एम एंगल बी। ये क्वेश्चन में गिवन है, इनका रेशियो क्या है 2:3 का है, 2:3 का रेशियो। अब इनकी अगर वैल्यू हम डिफाइन करेंगे क्या हो, रेशियो आप रिमूव करेंगे क्या होगा, ए इज इक्वल टू 2x, बी इज इक्वल टू 2x, वी यूज एक्स हियर कॉमन वैल्यू, मीन्स व्हेन वी मूव टू रिमूव द रेशियो साइन और इस टू साइन वी इंक्लूड अ कॉन्स्टेंट और अ वेरिएबल विच इज मल्टीपल ऑफ दिस वैल्यू। आप किसी भी रेशियो को अगर रिमूव करते हो तो उसमें क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट या वेरिएबल पॉइंट आप यूज करते हैं। अब ये एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एनीथिंग, इनका रेशियो सेम ही आएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी वांट टू द वैल्यू ऑफ एंगल सी, इस एंगल की वैल्यू हमें पता करनी है, एक्स ओ एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को आप ऑब्जर्व करिए, क्वेश्चन में देखिए ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन आपके पास है और स्ट्रेट लाइन है, ये आपकी स्टैंडिंग रे है पॉइंट ओ पर, ये 90 डिग्री का है, 90 डिग्री ए बी इनको अगर आप ऐड करोगे तो एक स्ट्रेट एंगल आपको मिलेगा, स्ट्रेट एंगल की वैल्यू क्या होती है 180 डिग्री होती है, स्ट्रेट एंगल की वैल्यू क्या होगी 180 डिग्री। ए बी के बीच का रिलेशन आपको ऑलरेडी पता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, सी हियर द सम ऑफ बाई फिगर सम ऑफ एंगल पी ओ वाई, पी ओ वाई प्लस एंगल एम ओ पी, एम ओ पी प्लस एंगल एक्स ओ एम, एक्स ओ एम इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई, बिकॉज एक्स ओ वाई इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन, एक्स ओ वाई क्या है, स्ट्रेट लाइन है। नाउ एंगल पी ओ वाई गिवन है, हम नोन से अननोन की तरफ चल रहे हैं, पी ओ वाई 90 डिग्री, एम ओ पी, एम ओ पी एंगल ए प्लस
XOM angle B is equal to 180 degree. Now angle A and angle B is equal to 2x and 3x. 90 plus 2x plus 3x is equal to 180 degree. Now transpose this value from left to right and add these two numbers. 3 plus 2, 5x is equal to 180 minus 90 degree. We get 5x is equal to 90 degree, and the value of x is 90 upon 5 is equal to 18 degree. Now the value of angle A, so angle A is equal to 2 into 18, means 18 to the 36 degree, and angle B is equal to 3 into 18 is equal to 18 3 the 54 degree. It is clear. Angle A, angle B की वैल्यू आपको मिल गए. अब आपको एंगल C की वैल्यू डिफाइन करना है.